दीपावली पर हर किसी को अपनों के बीच पहुंचकर त्यौहार मनाना होता है और रेलवे स्टेशन अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा है कि यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाई जा सके। अब इसके लिए रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है और साथ ही मौजूदा ट्रेनों में भी अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। क्या है पूरा इंतजाम त्योहारी सीजन को लेकर, या ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इन दिनों ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ चल रही है। जयपुर जंक्शन से शुक्रवार को 1,30,000 से ज्यादा यात्रियों के यात्रा करने का अनुमान है। यात्रियों की ज्यादा संख्या होने के चलते ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्ट सीट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग 100 से भी ज्यादा पहुंच गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की तरफ से जाने वाली ट्रेनों में दिख रही है। जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस, अजमेर सियालदाह, जोधपुर हावड़ा और अन्य ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ है। इस कारण इन ट्रेनों में वेटिंग भी काफी ज्यादा है। यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। साथ ही दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए 30 ट्रेनों में 52 अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अभी 30 जोड़ी गाड़ियों में 52 कोचेज लगाए गए हैं, जो अलग अलग तरह के एसी कोचेज हैं या जनरल क्लास के कोचेज हैं या स्लीपर कोचेज हैं। इसके अलावा अलग अलग गंतव्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है और हम समीक्षा कर रहे हैं कि जिस रूट पर या जिस ट्रेन में ज़्यादा यात्री भार बढ़ रहा है, वहाँ के उस रूट पर और भी गाड़ियाँ चलाई जाएँ या कोचेज में बढ़ोतरी की जाए। रेलवे प्रशासन ने 27 जोड़ी ट्रेनों में 49 कोच बढ़ाने की घोषणा 27 अक्टूबर को ही कर दी थी। हालांकि इन सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची कम नहीं हो रही है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने मुंबई रूट पर ज्यादा ट्रेनें बढ़ाई हैं, जबकि अपेक्षाकृत रूप से बिहार रूट पर ट्रेनों की संख्या कम है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि रेलवे प्रशासन जयपुर से पटना, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता आदि रूटों के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करे, जिससे कम्फर्ट सीट चाहने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।